Hello friend, this is the first part of admission of partner. यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि जब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर में नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग किया जाता है ट्रांजैक्शन का। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम सम डिजाइन किया है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। पुराने पार्टनर हैं जो 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। They admitted C as a new partner for 3/8 share in the profit. नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है for 3/8 share. The new profit sharing ratio will be 3:2:3. नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:8 था। अब उसके आ जाने के बाद में जो पार्टनर्स हैं वो 3:2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। मतलब A का शेयर हो जाएगा 3:8, B का शेयर हो जाएगा 2:8 और सी का शेयर तो 3:8 दिया हुआ ही है। सी ब्रॉट ₹2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड ₹50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। फिर आप लोगों को ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 20,000, पार्टनर्स जो है उनका कैपिटल 4 लाख ए का और बी का 1 लाख, टोटल कैपिटल 5 लाख। एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में आप लोगों को दिया हुआ है कैश 90,000, डेटर 80,000, स्टॉक 1,50,000, फर्नीचर 50,000 और मशीनरी 2,10,000, टोटल जो है वो 5,80,000 हुआ। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर में आप लोगों को दिया हुआ है, इट इज अग्रीड दैट स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹2 लाख। स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर में आप लोगों को दिया हुआ था कितना, 1,50,000। उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी कितने से, 50,000 से। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 12%। तो मशीनरी का वैल्यू आप लोगों को कितना दिया हुआ था, 2,10,000। उसकी वैल्यू आप लोगों को डेप्रिशिएट करनी है 12% से। एंड फर्नीचर बाय ₹2,000, और फर्नीचर की वैल्यू भी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। पहले 50,000 था, अभी 2,000 से उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है। पीबीडीडी ऑफ 5% विल बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स है आप लोगों को दिया हुआ है 80,000, उसके ऊपर में 5% का आप लोगों को प्रोविजन क्रिएट करना है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन। बोलता है कि जब नए पार्टनर का एडमिशन हो गया है तो जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो रहेगी वो एडजस्ट हो जाएगी किस रेशियो में, नए पीएसआर में, न्यू पीएसआर में। दैट मीन्स व्हाट दे वांट यू टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम लोगों को ओल्ड पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम, जिस पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है फॉर सरप्लस और डेफिशिएंसी द करंट अकाउंट आर टू बी ओपन। कोई सरप्लस और डेफिशिएंसी जो रह जाएगी, आप लोगों को पहले बोला गया था ना कि जो नया पार्टनर है उसके आने के बाद में कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है आप लोगों को। नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस आप लोगों को फाइंड करना है। तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस रहेगा उसको आप लोगों को रीइंस्टेट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। पर वो करने के टाइम पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई डेफिशिएंसी या सरप्लस जो भी आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको आप लोगों को एडजस्ट करवाना है किसके थ्रू, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू।
अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए सबसे पहले आप लोग को लिखा हुआ था स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख। स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ था आप लोगों को कितना, 1,50,000। यानी स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है आप लोगों को, इंक्रीज करनी है कितने से, 50,000 से। तो ये जो 50,000 का एप्रिसिएशन होगा वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये रहा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में हम लोग शो करेंगे स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है तो उसको हम लोग दिखाएंगे क्या, बाय स्टॉक 50,000। हम लोग जब भी ये सम करते हैं एडमिशन के अंदर में या रिटायरमेंट के अंदर में, जब भी हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो इट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड कि रिवैल्यूएशन जब हम लोग बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट साइड होता है उसको हमेशा हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए फायदा। ये आप लोगों का फायदा का साइड है, मतलब जब भी किसी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं रिवैल्यूएशन के, या किसी भी लायबिलिटी का वैल्यू कम होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और इस साइड को हम लोगों को समझना चाहिए क्या, नुकसान। तो जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी उसको हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद हम लोगों को सम बोल रहा था मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 12%। तो मशीनरी की वैल्यू थी कितनी, 2,10,000। 2,10,000 का 12% जो है दैट कम्स आउट टू बी 25,200। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, टू मशीनरी दिखाया है 25,200 डेप्रिशिएशन था इसलिए हम लोगों ने डेबिट में दिखाया है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया था हम लोग को, एंड फर्नीचर बाय रुपीज 2,000। फर्नीचर की वैल्यू भी 2,000 से कम करनी है इसलिए हम लोगों ने डेबिट में दिखा दिया टू फर्नीचर। फिर बोला गया था पीबीडीटी ऑफ 5% विल बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स का वैल्यू था कितना, 80,000। तो उस 80,000 पे आप लोगों ने क्रिएट किया है पीबीडीटी कितने का, 80,000 का 5% दैट इज 4,000। इतना सब कुछ करने के बाद में हम लोग देख लेते हैं और कोई रिवैल्यूएशन का कुछ और आइटम था नहीं। क्रेडिट साइड का टोटल 50,000 है और डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 25,200, 2,000, 4,000, दैट कम्स आउट टू बी 25,200, 27,200, 31,200। 50,000 माइनस 31,200 होता है आप लोगों का 18,800। उस 18,800 को हम लोगों ने क्या कर दिया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है इट हैज बीन डन बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन के पहले आप लोगों ने किया है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देख लेते हैं हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:1। तो हम लोगों ने क्या किया, 3:1 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो कितना हो गया, 14,100 और 4,700। दैट्स इट, ये रिवैल्यूएशन का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल।